हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले होली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सबको, हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। शबरात का भी आज दिन है, बहुत मुकद्दस दिन होता है, पूरी रात आपको तिलावत करनी है। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसलिए आज आपको सोचा है कि एक अपनी ज़िंदगी में जो एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ उसकी जानकारी आपको दूँ। हालांकि बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे MNC का टिकट दिया है देवरिया कुशीनगर के क्षेत्र से, और मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिंदगी में एक 10 अगस्त 2017 को टर्न आया था, और उसके बाद कई जिंदगी में ऊंच नीच होती रही, बहुत से ऐसे टाइम लगा कि हिम्मत हार जाएंगे, हिम्मत टूट जाएगी, पर आप लोगों की दुआओं से जो है जिंदा बचा रहा और ये जद्दोजहद जारी रही। आज नौकरी नहीं है, पर जज्बा है लोगों की मदद करने का, लोगों की सेवा करने का। आप सबको, मैं बहुत से लोगों को मेरी डिसीजन बुरा लग रहा होगा, बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मैं उनको जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की है और बार बार दुआएं की है उनको बताना चाहूंगा कि ये भी एक मोमेंट है, और अगर जीता तब भी मैं डॉक्टर ही रहूंगा और आप मुझे बच्चों का इलाज करते हुए देखते रहेंगे। जो मेरा अल्लाह ने हुनर दिया है उसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो जो डॉक्टर से, एक्टिविस्ट से, जो राइटर से और आपके बीच रहा हूँ वो हमेशा से रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वैसे ही प्यार देंगे जैसे पहले देते हैं, और मेरे इस सलाह को, कुछ लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, शायद बुरा लग रहा हो, सही नहीं लग रहा हो, आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस डिसीजन पे मेरा साथ दीजिए, मुझे दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह 9 तारीख को मेरी जीत पक्की हो। शुक्रिया।